दुर्ग शहर के डिबरा पारा कचहरी वार्ड में पार्षद की पहल से करीब 1 एकड़ में उद्यान बनाया गया, जिसके लोकार्पण शहर विधायक के हाथों कराया गया, जिसमें बच्चों के झूले सहित शारीरिक व्यायाम की सुविधा भी रखी गई है। हरियाली के पावन अवसर पर दुर्ग शहर के वार्ड 39 कचहरी वार्ड में वार्ड पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा की सार्थक पहल से वार्ड के रहवासियों के लिए उद्यान निर्माण कराया गया, जिसके लोकार्पण अवसर पर पहुंचे दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने वार्ड पार्षद की सराहना की। जेठ के गर्मी ला अषाढ़ के पानी होकर गर्मी ला संतुलित करते, लेकिन फौकाते नहीं, जमीन अपड़ बोलते, लेकिन भोलेनाथ के जब दिन आते सावन सोमवारी हमारे दिन जल चढ़ाते, तो जल चढ़ाते तो भगवान भोलेनाथ के जो जब तक गर्मी है एक आराम में को कोलर को मास्किंग हाई मास्क हाई मास्क और चारों तरफ लाइट पाम ये सब के जरूरत है। ये दीदी एक मंदिर का हाथ है और चारों तरफ घेरा इस मामले का घेरा करना महान दुर्ग शहर में केली का ऊंचा टिका दे तो टिपरा पार हम निकल दे और सब ताली बजा के इन बच्चों का अभिनंदन करें जो हमारे परंपरा को जीवित रखने में इन्होंने सार्थक भूमिका। जितने बच्चे केली वाले हैं आपको बता दें कि वार्ड पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा की 4 वर्ष की सार्थक पहल से ही वार्ड के रहवासियों को वार्ड में ही लगभग 1 एकड़ जमीन पर बच्चों और महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए हरेली के पावन अवसर पर उद्घाटन विधायक गजेंद्र यादव द्वारा कराया गया। इस मौके पर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा पार्षद उपस्थित रहे। विधायक गजेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ के हरेली पर्व की पारंपरिक गेड़ी चलाकर वार्डवासियों को शुभकामनाएं दी। इस संबंध में मीडिया के समक्ष उन्होंने प्रतिक्रिया दी। ये डिपरा पारा के हृदय स्थल में इतना बड़ा जमीन पुष्पा गुलाब वर्मा वार्ड पार्षद द्वारा लगातार मेरे से मांग की जाती थी कि आप इस जमीन को मुक्त कराएं। उस समय मैं तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी और तहसीलदार को भेज के जगह सीमांकन कराया, अतिक्रमण मुक्त कराया। मेरे की खुद कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी जमीन हमको मिलेगी और आज वार्ड पार्षद के सहयोग से जिला प्रशासन साहब से इतनी बड़ी जमीन खाली हुई और ये वार्ड के लिए निस्तारी के लिए बड़ी भूमिका अदा करेगा। लगातार मैं इसके लिए 4 साल लगा रहा, कभी कचहरी, कभी कलेक्ट्रेट, कभी तहसीलदार, कभी SDM, कभी पटवारी से लेकर उसके बाद भी कई उस बहुत सारा समस्या आया उसमें, बाकी हो गया जैसे भी उसमें लगा रहा मैंने 4 साल तक। तो कार्यक्रम जैसे गजेंद्र यादव जी के बोलने से सीमांकन का काम हुआ, जबकि 4 साल तक सीमांकन नहीं हो पा रहा था, इसका सीमांकन का कार्य हुआ और इस तरीके से समस्त वार्डवासियों के सहयोग से यह कार्य पूर्ण हो पाया है। और इस हरेली के प्रथम तिहार में आप सब पारा बस्ती वाले मल्ला बहुत बहुत शुभकामना, तिहार के बहुत बहुत बधाई हो। ये अर्बन लैंड सीलिंग की भूमि है, ये शासकीय भूमि है अर्बन लैंड, जिसमें दाऊ लोगों का उसमें केस चल रहा था, वो केस का भी बहुत सारा समस्या था, वो भी हल हो गया। और अर्बन लैंड सीलिंग की भूमि इसके लिए मैंने वकील को पूछा कि क्या करना, वकील से राय मशवरा लिया, फिर हमारे कमिश्नर और इंजीनियर ये सबसे बातचीत करके मैंने इस ज़मीन को इस वार्डवासियों के लिए मैंने बनवाया। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।